आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बीर बिलिंग। बीर बिलिंग है हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के दो गांव। बीर लैंडिंग साइट है जहां आप लैंड करेंगे पैराग्लाइडिंग के बाद, और यही वो जगह है जहां सभी होटल्स और कैफेज लोकेटेड हैं। यहीं पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी है जो कि काफ़ी खूबसूरत है और फेमस है। बीर से ही पैराग्लाइडिंग की बुकिंग होती है, और पैराग्लाइडिंग के लिए आपको पायलट आपको ट्रांसपोर्ट करेंगे बिलिंग तक, जो कि टेक ऑफ साइट है। यहाँ पहुँचने में 14 किलोमीटर यानी करीब एक घंटा लग जाता है, और ये आपके पैराग्लाइडिंग के पैकेज में इंक्लूडेड होता है। फिलहाल इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ मेरे बेटे का, जो कि 8 साल का है, उसकी पैराग्लाइडिंग फ्लाइट की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पैराग्लाइडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपका वेट 35 केजी से ऊपर होना चाहिए। ये फ़्लाइट एक पायलट के साथ की जाती है, जिसे टैंडम फ्लाइट कहते हैं, और जो लोग लाइसेंस होल्डर्स होते हैं, जो लोग सीख चुके होते हैं पैराग्लाइडिंग, उनके लिए सोलो फ्लाइट्स अलाउड होती हैं। बिलिंग में बहुत सारे फ्लाइट स्कूल्स भी हैं जो कि आपको पैराग्लाइडिंग सिखाते हैं। फ़्लाइट के दौरान ऐसे अमेजिंग व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि ऑर्डिनरीली आप किसी और तरह से नहीं देख सकते हैं। फ़्लाइट से पहले मुझे काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था, और मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि पैराग्लाइडिंग सेशंस सनसेट के टाइम करेंगे तो बहुत ही अच्छे व्यूज़ आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है स्काई, और सनसेट के टाइम गोल्डन लाइट में कुछ अलग ही नज़ारे होते हैं। ये जो पायलट वीडियो बना रहे हैं गोप्रो से वीडियो, और आपको बीर से बिलिंग तक ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सब आपके पैराग्लाइडिंग के पैकेज में इंक्लूडेड होता है, जो कि 2 से 2500 रुपये कॉस्ट करता है। तो 2 से 2500 रुपये में आपको आपके होटल से पिक करते हैं, टैक्सी में बिलिंग तक ले जाते हैं, जो कि 14 किलोमीटर है और 45 मिनट एक घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में, और वहाँ से पैराग्लाइडिंग करवाते हैं, GoPro से आपका वीडियो बना के आपको देते हैं, ये सारा पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो एक बार आप पैराग्लाइडिंग करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त होता है कि आपको लगेगा कि 2-2500 रुपया वर्थ है स्पेंड करना पैराग्लाइडिंग में, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस की तरह हो जाता है आपके साथ।
कुछ लोग घबराते हैं कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जब ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शुरू के चंद मिनट आपको थोड़ा सा लगेगा, और जैसे ही फ्लाइट ले लेती है ग्लाइडर, उसके बाद यू विल फील गुड एंड यू विल फील वेरी एक्साइटेड, आई एम श्योर। तो कुछ मिनट शुरुआत के तो आप स्काई ही देखते रहेंगे और उसके अलग अलग व्यूज़, उसके अलग अलग ह्यूज़, अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, और नीचे जो व्यू होगा वो तो बहुत ही खूबसूरत होगा, क्योंकि उसमें होंगे आपके छोटे छोटे पहाड़ों पे बने हुए छोटे छोटे घर लकड़ी के, और वहाँ के टेरेस फार्म्स जो कि ऊपर से तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पे जो पायलट्स फ्लाइट करवाते हैं वो सब ट्रेंड होते हैं, उनके पास अपने लाइसेंसेस होते हैं और अपना एक्सपीरियंस होता है, और उनके रेगुलर टेस्ट्स होते रहते हैं उनको फिट रखने के लिए, और यही यहाँ की खास बात है कि सब ट्रेंड पायलट्स यहाँ पे होते हैं। बीर की एक और ख़ास बात यह है कि ये वर्ल्ड की बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट्स में आती है। यहाँ पे 2015 में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप हुआ था, इसलिए एक इंटरनेशनल साइट है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग के इवेंट्स होते हैं।
तो हाइट कम हो चुकी है अभी ग्लाइडर की, और आप देख सकते हैं नीचे घर और फार्म्स एकदम क्लियर दिख रहे हैं। अब लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं पायलट, और नीचे आप देख सकते हैं लैंडिंग साइट है, दे आर अबाउट टू लैंड नाउ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।